दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इतने दिनों के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो भी इस टाइप के। ठीक है, मतलब रूम में बैठे बैठे वीडियोस बनानी पड़ रही है मेरे को, क्योंकि गाइस कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब प्रॉब्लम आई है इसके वजह से मैं जो है आउटडोर में वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ काम ऐसा कर रहा, मतलब बाहर चल रहा है। वैसे इधर बारिश भी हो रही है तो बाहर नहीं जा पा रहे हम। और वीडियोस की बात करूँ तो गाइस, इतने दिनों से मेरे को वीडियोस मतलब बना नहीं पाए, क्योंकि लाइट का जो प्रॉब्लम था वो बहुत ज़्यादा था। और गाइस, आज क्या मैंने बनाया हूँ आपको तो पता ही होगा, अगर मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको एक चीज़ पता ही होगा, मैंने आपको एक हॉट एयर गन जो है मैंने आपको बना के दिखाया था। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, आप देख लो। तो गाइस, और एक चीज़ मैंने और एक वीडियोज भी डाला था जिसमें मैंने एक ब्लोअर बना के दिखाया था, ठीक है। तो गाइस, आज मतलब जो दोनों का दोनों जो चीज़ होता है ना, मतलब मैंने उसको जो है मिला लिया हूँ और एक ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी काम का है, ठीक है। लेकिन फाइनल गाइस, मैंने इसका वीडियोस नहीं बना पाया, वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि लाइट का जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से मैंने इसका जो है वीडियोस शूट नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये गाइस ये क्या है, ठीक है। गाइस, ये एक है हॉट एयर ब्लोअर, ठीक है। मतलब कि यहाँ से तो हवा लेता है और यहाँ से बहुत प्रेशर के साथ हवा को फेंकता है। और मैंने इसको जो यहाँ पे इसको जो लगाया हूँ गाइस, इसके अंदर एक कॉइल लगा होता है। तो ये क्या करता है कि जो हवा इसके अंदर से इनलेट होता है, जब इसके अंदर से जो है हवा को इस तरीके से लेता है, इसके अंदर प्रोपेलर लगा होता है। अगर आप ब्लोअर का वीडियोस नहीं देखे हो तो आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। ये हवा को इसके यहाँ से ये फेंकता है, ठीक है। यहाँ से ये हवा को इस तरफ फेंकता है। जब हवा इस चैम्बर में आता है तो यहाँ पे कॉइल लगा होता है। इस कॉइल जो होता है वो हवा को गर्म कर देता है, बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। मतलब हीट है वो बहुत डबल हो जाएगा, आप देख लेना कुछ। तो गाइस, आप खुद देख लिए हैं कि किस तरीके से काम करता है। मतलब ये स्विच जब हम मतलब दबाते हैं तो एक बहुत ज़्यादा गर्म हवा फेंकता है। तो गाइस, इसको मैंने किस तरीके से बनाया हूँ, मतलब इसका तो वीडियोस मैंने नहीं बना पाया, लेकिन आप वीडियोस को स्किप मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता के मतलब चलिए इसको डायग्राम देख लेते हैं कि मतलब इसको मैंने किस तरीके से बनाया, वो भी डायग्राम के साथ आपके साथ देखेंगे। हैंडल भी है इसके साथ और इस तरीके से पकड़ना है एक गॉन से। पहले गाइस, मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, ये डायरेक्टली एसी बोल्ट से नहीं चलता है, क्योंकि आपको अगर मैं दिखाऊंगा तो ये यहाँ पे 555 का मोटर लगा होता है, मतलब लगा हुआ है, जो कि हमारा 12 बोल्ट का है। और आपको यहाँ पे दिखा दूँ, इसके जो हम टेप के अंदर मैंने यहाँ पे एक 12 बोल्ट अडेप्टर का छोटे सा किट का यूज किया हूँ। तो गाइस, आप इधर देख सकते हो हमारा जो है ये है वो कपड़े की जैसा हो चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब गर्म हो चुका है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम बेंड भी कर, जिस तरीके से बेंड चाह रहा हूँ मैं उस तरीके से ये बेंड हो रहा है, काफ़ी अच्छे से ये काम करता है और आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस, इसका डायग्राम देखते हैं। गाइज, इसका जो कनेक्शन है गाइज काफ़ी ज़्यादा आसान है, मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये है गाइज हमारा ब्लोअर है, अगर आप इसके वीडियोस नहीं देखे हो तो गाइज आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो ये हमारा ब्लोअर है जो कि हमारा 12 वोल्ट का है, और ये हमारा एसी मतलब जो प्लग होता है, ये प्लग है। ये जो है गाइज हमारा एसी डीसी जो अडाप्टर सर्किट है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस एसी वोल्टेज इसको डायरेक्टली दे देंगे, एसी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ से गाइज एसी इनपुट होगा, आउटपुट में यहाँ पे आएगा 12 वोल्ट डीसी। तो 12 वोल्ट डीसी जो है गाइस, इसको जो है नॉर्मली हम कनेक्ट कर लेंगे ब्लोअर के साथ, जाके डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो गाइस हमारा इधर इस एसी से हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक दोनों पॉइंट को इस तरीके से ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक डायोड का यूज करूँगा, ठीक है, जो कि डायोड का जो मुँह होता है वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब ये डायोड का सिंबल है, डायोड का जो मुँह होगा किस तरीके से होगा मैं आपको दिखा लेता हूँ। इसका जो सिल्वर पॉइंट होगा वो कुछ इस साइड होगा, ठीक है, इस साइड को होगा। तो ये हमारा दोनों लेग है, आप ये यहाँ पे जो है हमारा डायोड लगा, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। इसका जो दूसरा शोर है ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये लगेगा इसके एसी पॉइंट के साथ, ठीक है, ये डायरेक्टली इस तरीके से चल जाएगा। लेकिन गाइस,
इसके साथ भी मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया हूँ। मॉडिफिकेशन क्या क्या हूँ गाइस, ये जो दोनों वायर है यहाँ पे और यहाँ पे, ये गाइस जब मैंने इसको यहाँ पे मतलब डायोड को लगाएंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा, तो ये इतना ज़्यादा हीट नहीं हो पाएगा। जब इसको गाइस हम ओवर पावर देंगे मतलब ज़्यादा हीट करना चाहेंगे इस सर्किट को, तो हम इसको किस तरीके से हीट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसको क्या करेंगे, यहाँ से मैंने एक वायर, यहाँ से एक वायर लाया हूँ और एक स्विच को कनेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है, ये एक स्विच है, ठीक है। तो ये स्विच जब यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो गाइस ये ऑफ है, ठीक है, ये ऑफ है अभी, ये ऑफ है, तो गाइस यहाँ पे वो जो है अभी करंट जाएगा तो ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से जाके इस तरीके से आएगा, ये यहाँ पे वोल्टेज को डाउन कर देगा। डाउन कर देगा तो क्या होगा कि ये जो है नॉर्मल हीट होगा, कितना नॉर्मल, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा कम, ये नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा डाउन, मतलब डाउन बहुत ज़्यादा कम हीट होगा। और जब गाइस इसको जब हम डायरेक्टली मतलब इससे इसको जब ऑन कर देंगे तो क्या होगा, इसके जो पावर है इस तरीके से कुछ मिल जाएगा, तो फुल ऑन फुल 220 वोल्ट इसको मिल जाएगा यार। ये जो है इस जो कॉयल है ये ओवर हीट होने लगेगा। तो हम इसको दो तरीके से काम में ले सकते हैं, सर्किट ज़्यादा कुछ भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आसान सर्किट है, आप इजीली इसको बना पाएंगे। अब गाइस यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नॉर्मल जी कनेक्शन होता है और क्या, 200 वोल्ट एसी ये इनपुट यहाँ से आएगा,